नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको वेव्स ट्यून का यूज करके अपने वोकल्स को ऑटो ट्यून करना सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ पुराने सब्सक्राइबर हो, आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स को पढ़ के, तो सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो आते हैं वेव्स ट्यून के इंटरफेस पर। यहाँ पर हमको सबसे पहले अपने वोकल्स को ट्रैक करना है। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है वेव्स ट्यून को वोकल रैक के ऊपर, और मैं एक बार प्ले करता हूँ जिससे ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा हमारे वोकल्स को। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑरेंज कलर की विंडो दिख रही थी जब मैं वोकल्स को रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस टाइम ऑटोट्यून अप्लाई नहीं होता है। ये दिखाता है कि ये वोकल्स को ट्रैक कर रहा है, इसलिए आप ये मत सोचना कि ऑटोट्यून वर्क क्यों नहीं कर रहा है। ट्रैक होने के बाद वोकल यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर आ चुके हैं। मेरे को जूम आउट करना है, तो मैं यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर दूंगा, तो जो भी वोकल रिकॉर्ड हुए हैं, ट्रैक हुए हैं, वो मेरे को यहाँ पर दिख जाएंगे। जूम इन, जूम आउट, हॉरिजॉन्टल जूम इन और वर्टिकल जूम इन, जूम आउट आप यहां से कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो, बाहर भी निकल सकते हो जूम आउट करके। लेकिन मेरे को सबसे बढ़िया जो टूल लगता है इनका, ये जूम वाला लगता है, जिस पर क्लिक करने के बाद अब मैं ड्रैग करता हूं, इतने सेक्शन पर मेरा जूम ऑटोमेटिकली हो जाता है। और बाहर निकलना है तो मैं दोबारा इस पर क्लिक कर दूंगा, तो अभी मैं अंदर आ जाता हूं। अब मेरे को करना क्या है, ये सारे नोट्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑल पर मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपको फॉर्मेट करेक्शन का ऑप्शन मिलता है। रेंज आपकी क्या है, इंस्ट्रूमेंट की या वोकल की जिसकी आप ऑटो ट्यूनिंग कर रहे हो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी जेनरिक रखा हुआ है। अगर आपका बेस इंस्ट्रूमेंट है तो आप बेस को सेलेक्ट कर सकते हो रेंज में। तो जेनरिक के बाद मेरे सॉन्ग का जो स्केल है वो डी माइनर है, तो रूट में मैं डी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्केल के अंदर मैं नेचुरल माइनर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये माइनस जो साइन आ रहा है, ये दिखा रहा है कि ये इस स्केल से बाहर है। अब मैं यहाँ पर टॉलरेंस के अंदर नोट वाला ऑप्शन और देख रहा हूँ, तो अगर मैं इसको कम ज्यादा करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखना कि ये जो नोट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, इनकी वैल्यू कम ज्यादा होगी। तो ये अभी मैंने 100 कर दिया है, तो बहुत कम हो गई है वैल्यू अभी, और अगर 0 कर दिया है तो बहुत ज्यादा नोट्स को ट्रैक कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर 30 के आसपास रख रहा हूँ, ये आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, जिससे पूरा ऑटो ट्यून हो चुका है वोकल। अब एक बार हम इसे प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर लास्ट में ये जो नोट है, आप ये देखो कि ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ आ रही है। मैं जूम कर लेता हूँ इसी सेक्शन पर। ये जो माइनस का साइन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये वाला नोट इस स्केल में नहीं आता है, और हमारा जो वोकल है वो थोड़ा सा यहाँ पर से होकर आ रहा है। ये देखो, ये दिखा रहा है, ऑरेंज वाला दिखा रहा है, ये तो ओरिजिनल वाला दिखा रहा है, और ऑटो ट्यून के बाद जो आ रहा है वो ग्रीन वाला दिखा रहा है। तो वो ऑटो ट्यून के बाद भी यहाँ पर जो हमारा स्केल के अकॉर्डिंग जो नोट नहीं है उसमें जा रहा है। तो मैं अभी यहाँ पर, मैं सबसे पहले नोट को सेलेक्ट करने वाला हूँ। मैंने बाहर क्लिक कर दिया जिससे सभी नोट जो सिलेक्टेड थे वो अनसेलेक्ट हो जाएंगे, और अभी मैंने इस नोट को क्लिक कर दिया है, तो ये नोट सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर नोट ट्रांजिशन है, क्योंकि ये शुरुआत वाला हिस्सा है, तो इसलिए मैं नोट ट्रांजिशन का यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो नोट ट्रांजिशन का यूज़ करने के बाद ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो हमारी ट्यूनिंग की रेंज में आ चुकी है, तो अभी ये अच्छा सुनाई देगा। इसके साथ अगर मैं चाहता हूँ नोट को स्प्लिट करना, तो स्प्लिट वाले टूल को मैं यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मेरे को अप डाउन भी मूव करना है तो ये टूल को सिलेक्ट करके मैं अप डाउन मूव कर सकता हूँ। साथ में आपको एक पेंसिल टूल देखने को मिलता है, तो कई बार आपको वाइब्रेटो ड्रॉ करने हैं तो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं जैसे अभी हैंड ड्रॉ करना चाह रहा हूँ वाइब्रेटो, तो मैंने ड्रॉ कर दिया है। और अगर यहाँ पर आप इनको अप डाउन मूव करना चाहते हो, एक टूल और आपको देखने को मिलता है वाइब्रेटो को अप डाउन मूव करने का, तो इस टूल से आप कर सकते हो। और अगर आपको ये जो नोट सेलेक्ट हुए हैं इनको आपको ग्लू करना है, तो आप ग्लू कर सकते हो। और एक ऑप्शन और आपको देखने को मिलता है, आप लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे अभी मैंने वाइब्रेटो का यूज़ करके लाइन बनाई हुई है, और मैं अगर इसको इस तरीके से सीधी लाइन कर देता हूँ, तो ये सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी।
और इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, वाइब्रेटो भी बना सकता हूँ, यहाँ पर नोट भी बनते जा रहे हैं आप ये देखो। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है, अब मैं एक बार आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर हैंड टूल का यूज करके मूव भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसे जूम कर लिया इतने सेक्शन पर, अब मेरे को दूसरे सेक्शन पर जाना है, तो मैं हैंड टूल का यूज करके अप डाउन मूव कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट मूव कर सकता हूँ। तो इसमें नोट सेलेक्ट नहीं होते हैं, इसमें बस एक तरीके से आप पेपर शीट पर वर्क कर रहे हो, इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। यहाँ पर आपने कुछ गलती कर दी तो यहाँ पर अंडू का बटन आपको देखने को मिलता है, आप अंडू कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक रेशो वाली नॉब देखने को मिलती है, तो आप ऑटो ट्यून जो सिग्नल है, मतलब जो करेक्टेड सिग्नल है और ओरिजिनल सिग्नल में, और आप कम ज़्यादा करना चाहते हो, मतलब वेट और ड्राई वाला रेशो बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ से आप वो बना सकते हो। नोट ट्रांजिशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ऑटो ट्यून की स्पीड को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, जैसे सपोज करो मैं ये वाला नोट सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं ऑटो ट्यून स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं ना ग्रीन लाइन में। तो इस तरीके से ऑटो ट्यून स्पीड को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। वाइब्रेटो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ ऑन करके, लेकिन फिलहाल मेरे को वाइब्रेटो यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। और इस तरीके से आप पूरे वोकल्स को ट्यून कर सकते हो वेव्स ट्यून का यूज़ करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप वेव्स ट्यून को परचेज करना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज़ करके कुछ परसेंट डिस्काउंट पा सकते हो। कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा मेरे कोड की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।